इस विंडोज सर्वर 2012 के वीडियो सेशन में हम सीखेंगे IIS के बारे में। उसके बाद हम IIS का इंस्टॉलेशन करेंगे जो प्रैक्टिकल होगा, और IIS इंस्टॉल करने के बाद हम IIS को कॉन्फ़िगर करेंगे। IIS कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद हम टेस्ट करने के लिए हम कुछ टेक्स्ट HTML पेजेस बनाएंगे, कुछ HTML पेजेस बनाएंगे ताकि हम उसको अपलोड कर सके वेब सर्वर पे, यानी कि IIS सर्वर पे, और उसको हम टेस्ट कर सके। उसके बाद हम बनाएंगे HTML पेजेस विथ कुछ इमेजेस और उसको भी हम अपलोड करेंगे सर्वर पे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे किस तरह से टेक्स्ट HTML दिखाई देता है और किस तरह से इमेज HTML दिखाई देता है। आइए तो शुरू करते हैं। IIS क्या है? IIS stands for इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेस। विंडोज सर्वर का इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेस एक फ्लेक्सिबल, सिक्योर और मैनेजेबल वेब सर्वर है, वेब पर कुछ भी होस्ट करने के लिए। देखते हैं इसका पर्पस क्या है। IIS यानी के इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेस एक कंप्यूटर को वेब सर्वर बना देता है जो प्रोवाइड कर सकता है वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विसेस, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विसेस यानी के FTP सर्विसेस, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सर्विसेस यानी के SMTP सर्विसेस, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विसेस यानी के NNTP सर्विसेस। एक बार आपने IP एड्रेस ऑब्टेन कर लिया, डोमेन नेम सर्वर पे डोमेन रजिस्टर कर लिया और नेटवर्क को एप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगर कर लिया, IIS को यूज करके वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। विंडोज सर्वर 2012 में IIS एक वेब सर्वर रोल होता है। विंडोज सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम में IIS है जिसमें सारी IIS फीचर्स मौजूद होती है जो जरूरत होती है, और वो सपोर्ट करता है वेब कंटेंट को होस्ट करने के लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। एक IIS वेब सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है रिमोट क्लाइंट कंप्यूटर से और रिटर्न करता है एप्रोप्रिएट रिस्पांस। एक वेब सर्वर डिलीवर कर सकता है इंफॉर्मेशन बहुत से फॉर्म्स में, जैसे कि स्टैटिक वेब पेज जो HTML में कोडेड होती है, थ्रू फाइल एक्सचेंज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इमेज फाइल्स और बहुत से दूसरे फॉर्म्स। तो ये थे हमारे कुछ IIS के इम्पोर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होने चाहिए थे। IIS के अगले वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से IIS को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है और किस तरह से टेस्ट किया जाता है बाय क्रिएटिंग टेस्ट HTML फाइल्स। थैंक यू।